तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका यह इमोशनल ई ओके और उस पर मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली इमोशनल ई होता क्या है जैसे आपका मतलब कि इंडक्शन ऑफ ई ड्यू टू चेंज इन एरिया राइट डैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोशनल ई और इसका जो मोशनल ई का जो इक्वेशन होता ई e इज इक्वल टू बी एल वी हालांकि ये जनरल केस नहीं है एक स्पेशल केस है ये तभी अप्लाई होगा जब ये तीनों आपका परपेंडिकुलर होगा बी मैग्नेटिक फील्ड ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वी आपका स्पीड हो गया जैसे कि आपका ये मान लो कि यह मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है और ये आपका कंडक्टिंग वायर है और ये आप कांस्टेंट स्पीड से तो ये में बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका बी एल हो जाएगा ठीक है और ऐसा इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं ई इज़ इक्वल टू एक्चुअली ये जो वायर है ये आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जा रहा है तो इसको ये ट्रांसवर्स कट कर रहा है मतलब राइट right एंगल पर कट कर रहा है ये वायर है और उसको रॉड ऐसे कट कर रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स बाई टाइम टेकन बाई टाइम टेकन ठीक है ये जो कट होना चाहिए वो ट्रांसवर्स कट होना चाहिए तो ये दो तरीके से सोच सकते हैं ई इजकल टू ये वायर कट कर रहा है राइट right? तो इसमें नंबर ऑफ द फिल लाइन्स कट और कट का कर करने का तरीका ट्रांसवर्स एंड अपॉन टाइम टेकन जैसे ये मान लीजिए कि कोई इन्फाइट वायर है प्लस इन्फिनी माइनस इन्फिनी ये फिक्स्ड है और इसमें करंट और एक ये l लेंथ का वायर को भी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से खींचा जा रहा है और ये पॉइंट दिया है ए और बी इसके एंड का ठीक है ये क्या है अपना इन्फनाइट वायर है अब मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स दिया है इस मोमेंट पर ये मे बिटवीन ए बी निकालना है ठीक है तो आपको पता है ये जो वायर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा तो डेफिनेटली ये ट्रांसवर्स कट कर रहा है ठीक है ना मतलब इसको ये रॉड को यहाँ से चालू किया गया था और इट्स इस, इस मोमेंट पर एक्स मोमेंट पर तो लगा देंगे वो डायरेक्ट फार्मूला ये अपना बी एल वी राइट बी एल वी तो बी कितना हो जाएगा लॉन्ग वायर के लिए तो म्यू नोट आई टू पाई एक्स एल वी बोल्ट ओके तो ये हो गया और वो दूसरा जो मैंने डेफिनेशन बताया उससे भी आप कर सकते हो जैसे डेफिनेशन मैंने क्या बताया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है कट बाई रॉड कट बाई रॉड इन ट्रांसवर्स वे इन ट्रांसवर्स वे एंड बाय टाइम टेकन बाय टाइम टेकन ठीक है तो एक्चुअली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेक्निकली है क्या मतलब मैथमेटिकली ये मैगनेटिक uh, फ्लक्स है और क्या है तो देखिए ये रॉड है अभी यहाँ पर कुर के बाद यहाँ पहुँचता है तो ये वी आपका डिस्टेंस कवर करता है तो ये जो एरिया होगा वो एल होगा तो ये नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स कट कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बी इन एरिया तो बी और ये एरिया कितना हो गया एल वी डी टी ठीक है और टाइम टेकन यहाँ से यहाँ जाने में तो डी टी तो डी टी कैंसल तो बी एल वी और वही बी का वैल्यू एट द डाइट मोमेंट पर ठीक है क्योंकि हमें तो यहाँ पर निकालना था इस टाइम इस पर एक्स डिस्टेंस पर तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नोट आई टू पाई एक्स एल वी वोल्ट ओके थैंक यू